पहाड़ों से मिलकर ना मुझे कुछ अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मुझसे ये बात कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि ऐ जिंदगी, थोड़ा धीमे चलने की आदत डाल दू, ताकि इस भागदौड़ की जिंदगी में अगर कुछ कामयाबी हासिल हो तो रुक कर अपने आप को शाबाशी देना मत भूल जाना तू। गुड मॉर्निंग गाइस, तो हमारी सुबह हो चुकी है और फ्रेशन अप होके हम चेकआउट करेंगे और हम निकलेंगे उसके बाद इंडियाज लास्ट विलेज दैट इज चितकुल। It's alright, it's a wild ride, taking me high, put me on fire. हम जस्ट अभी चितकुल लास्ट विलेज ऑफ इंडिया में हैं अभी, और यहाँ से बेसिकली ये पूरा जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये सारा विलेज है, बट लास्ट जो एंड पॉइंट है वो यहाँ से 3 किलोमीटर है चेक पोस्ट, तो वहाँ हम अभी जाएंगे। पहले हम इस एरिया को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। बहुत सही एरिया, क्या हवा है, मज़ा आ जा रहा है यार। ये देखो व्यू, तो अभी हम 360 डिग्री पूरा बन रहा है यहाँ पे, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी। ये है इंडिया का लास्ट चेक पोस्ट, और मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया था, तो मैंने फ़ोन तो नीचे रख दिया बट उसे ऑफ करना ही भूल गई। किसी को भी लाउड नहीं इसके अभी, किसी को भी नहीं है। ये लास्ट चेक पोस्ट है, मतलब यहाँ लास्ट ही है चेक पोस्ट। ये चितकुल से कितना दूर है यहाँ तक? यहाँ 2-3 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ से आगे, अच्छा वैसे रोड तो जाता होगा, गाड़ी जाती है आपकी गाड़ी? 40-50 किलोमीटर 40 किलोमीटर गाड़ी जाती है, जाती है, मगर वही है फैक्ट्री वगैरह जाती है, जैसे बड़ी वाली गाड़ी हमारी ना आपकी जाती है ना? हाँ सर। और किसी को लौट नहीं सर, पैदल भी जाना लौट नहीं, गाड़ी में जाना लौट नहीं। यहाँ पे उतर के फोटो तो खींचा है, चलो नीचे उतर के थोड़ा यहाँ पे फोटो, मतलब गाड़ी थोड़ा पैक कर देना क्योंकि दूसरी गाड़ी भी यहीं आ जाती है। अच्छा ठीक है, आप ठीक है, थैंक यू। जितना गाड़ी, तो चितकुल में जहाँ पे हमने गाड़ी रोकी थी वहाँ से 2-3 किलोमीटर है चेक पोस्ट, और मैं उसी चेक पोस्ट पे अभी खड़ी हूँ। ये चेक पोस्ट जो ये जो है ये नगस्ती चेक पोस्ट है, और यहाँ से अपना इंडो तिब्बतियन बॉर्डर शुरू हो जाता है, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है यहाँ पे जो है चितकुल से 2-2.5 किलोमीटर आगे। और जो एक्चुअली वहाँ पर एक और भी है प्रॉपर चेक पोस्ट, वहाँ जो गाड़ी दिख रही है वो है, वहाँ पर अलाउड नहीं है, आगे परमिशन लेके जाना पड़ता है वो, बट ऐसे नॉर्मल लोकल आई थी या टूरिस्ट को परमिशन नहीं मिलती। ये जस्ट यहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर बोर्ड है, यहाँ पे आप ले सकते हो, आगे आगे नहीं आना चाहिए कोई भी एरिया। ये जो है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है, और हमारा जो है वो, मैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की हूँ, तो हमसे ये पूछ रहे थे सर कि आप इतनी दूर आए पहाड़ों को छोड़ के, हम आप भी तो पहाड़ हैं यहाँ पर, आप क्यों आए? तो वो यही बोल रहे थे कि मतलब इतना पेट्रोल खर्च करके यहाँ पे आए हो, वहाँ पे भी तो सेम है सब, बट यहाँ पे आके एक उनका स्टोरी डिफरेंट है यार, हमारी लाइफ बहुत डिफरेंट है, इनकी लाइफ बहुत डिफरेंट है। तो उन्होंने बताया कि पूरा यहाँ पे इसके आगे बेसिकली यहाँ पे जो मैं खड़ी हूँ 52 किलोमीटर यहाँ से आगे चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है, और आगे उसके मतलब इन टोटल यहाँ से 50 किलोमीटर्स चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है, और 70-75 किलोमीटर जो है वहाँ पे थोड़े थोड़े घर हैं, वहाँ पे बस्ती, चाइना के वहाँ पे लोग रहना वहाँ पे चालू मतलब रह रहे हैं वहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ से आगे आपको अलाउड नहीं है, मेन जो है वो चितकुल है, और यहाँ पे तो बस एक चेक पोस्ट है। तो जब आप चेक पोस्ट से वापस आ रहे होंगे या फिर चितकुल से चेक पोस्ट जा रहे हो,
तो बीच रास्ते में ऐसे व्यू आपको मिलेंगे, आप आराम से अपनी गाड़ी रोक के व्यू का इंजॉय कर सकते हो। यार मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पूरा 360 व्यू है यार। देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। ओ बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, जो मुझे आँखों से दिख रहा है ना, आँखों मतलब जो ब्यूटी मेरे को अभी दिख रही है ना, वो कैमरे में दिख रही है, बट वो मज़ा भाई यहीं आके आएगा। बहुत सुंदर है यार मतलब। और अगर आपको आवाज़ सुन रही है, मैं बताती हूँ आपको, ये जो आप पूरा रास्ता देख रहे हो ना, ये ऊपर ये ग्लेशियर पॉइंट है, तो ये जो पानी है ये वहाँ से बर्फ़ से पिघल के पानी आ रहा है, और नीचे जो ये नदी है ना, मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, ये वाली जो नदी है ये बसपा रिवर है। तो आगे चलते हैं। कुदरत हमें कितना कुछ देती है यार, तो प्लीज़ इसे क्लीन एंड ग्रीन रखें, ताकि यहाँ कोई भी आए तो बस यहाँ की वादियों में ही खो जाए। अब हम वापस मेन चितकुल जा रहे हैं, क्योंकि भूख से ना जोरों शोरों से हालत ख़राब हो रही थी, तो इंतज़ार किस चीज़ का था जब हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा कुछ ही पल दूर था। यहाँ काफ़ी फिल्मी दुनिया के लोग भी आए हैं, और हाल ही में यहाँ लव आजकल 2 का भी शूट हुआ था, लेकिन जो बोलो भाई, खाना बहुत मस्त था। एक प्लेट तो रखी है टेबल पे, दूसरी भी क्या है ये, मतलब कितना खाओगे हैं? अब ये मत बोलना कि ये मेरी प्लेट है, मेरी प्लेट नहीं है ये। सुनाई दे रहा पुनीत, खाने में मगन हो तुम पूरा, जिस चीज पे भाई फोकस कर रही हो ना, चल जाएगा पता सबको कि ये 2 ही प्लेटें पुनीत ने ही खाई है। ये आखिरी ढाबा है जहाँ पे हमने अभी लंच किया है। बहुत पेट भर गया। लंच करने के बाद हम निकल पड़े थे सांगला की तरफ, जहाँ पापा हमें घुमा रहे हैं अपना शहर 30 साल बाद। तो ये है कैलाश द्वार। बेसिकली कैलाश ये एक मंदिर है सांगला में, तो राइट नाउ वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग लोकल सांगला प्रॉपर वाला, तो यहाँ पे आपको पूरी हिमाचल वाली फील आएगी। सांगला से 300-400 मीटर का स्मॉल सा ट्रैक है, नीचे है, नीचे का रास्ता है, और यहाँ पे एक मंदिर है कैलाश द्वार, तो इसके अंदर हम जाएंगे। ये क्या है? यहाँ जब देवता के फंक्शन होता ना, अच्छा, निकालते हैं, मेला लगता है जैसे। अच्छा अच्छा, ये नाटी का तो है, यहाँ नाटी चलती है। अच्छा, यहाँ होती है नाटी। हाँ। ये और वीरभद्र जी मिनिस्टर जैसे आता है ना, कई बार यहाँ आ गई, इसके लिए यहाँ खड़े होते हैं चटिया होते। अच्छा अच्छा, हमने भी थोड़ा यहाँ और उधर को जाता है, उधर को ऐसे फ्लैट फ्लैट होके, और इस पहाड़ी के परली तरफ को है। अच्छा, और एकदम प्लेन एरिया है, ओपन एरिया है, ऐसा कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि ऐसा भी हो सकता है इतनी टॉप पहाड़ी के ऊपर। इन लोगों की जमीन है ऊपर, जैसे खजियार हो गया। हाँ, इन लोगों की जमीन है ऊपर। हाँ, वहाँ इनकी हट्स हैं, रहते हैं, टाइमली
जमीन भी जाई कटाई संभाल सब कुछ, और ट्रैकिंग प्लेस है बड़ा अच्छा जबरदस्त। ये नीचे क्या नदी का रास्ता शॉर्टकट है? शॉर्ट वे है नदी के लिए, बसपा नदी के लिए। अच्छा बस परिवार। और रुकती पावर हाउस ऊपर तो नहीं है, उसके साथ ही पड़ता है। ये उनके ऑफिस के होंगे इन बिल्डिंग्स वगैरह ना? नहीं, ये जो ग्रीन वाला नहीं दिख रहा, इस यहाँ से देखो वहाँ से नहीं दिख रहा ग्रीन वाला, इससे जो लास्ट में नहीं नहीं आगे वाला क्या है वो? बसपा इन्वेस्टिगेशन डिवीजन HPSEV सांगला का रुक्ति पावर हाउस नाम से यहाँ बिजली जनरेट हुई है। और ये बहुत पुराना होगा फिर तो? बहुत पुराना है ये, काफी पहले का है। और इसके साथ ये फिशरी फार्म है, देखो अच्छा अलग अलग टाइप की फिशरी की ब्रीड्स हैं, फिश की ट्राउट अलग अलग पॉन्ड बनाए हैं, बहुत सारे टाइप की वैरायटीज के उसमें प्रोडक्शन की, अलग अलग टाइप की पॉन्ड्स में वैरायटी तैयार की हुई है। तो बस ऐसे ही हम सांगला को एक्सप्लोर कर रहे हैं पापा के साथ, पापा हमें घुमा रहे हैं। हमें जब शुरू में यहाँ सांगला ज्वाइन करने आया था तो ये जो सामने मकान नजर आ रहा है ना कॉर्नर वाला, ये लकड़ी वाला? हाँ, एक कॉर्नर वाला। अच्छा, ये यहाँ एक स्टाफ मेंबर रहता था यहाँ का, यहाँ कल्पा साइड का ना, यहाँ लोकल। अच्छा, तो वो उसने एडजस्ट किया था मेरे को, तो ये पहले वाला कमरा राइट वाला वो रहता था, और लेफ्ट वाला जो है उसमें मेरा सामान रखा था। तो आप रहते थे यहाँ पे 7 साल काटे हुए हैं, तो 30-31 साल बाद पूरी यादें ताजा कर रहे हैं पापा। टेंशन आया सब, टेंशन, ये सॉर्ट ऑफ पापा की फ्रेंड ही समझ लो। पूरे गप्पे यहाँ पे चल रही हैं दोनों की, तो नाइस रिवाइव हो रही है सारे मोमेंट्स 30 साल पहले के। इनका नाम क्या है पापा? इनका नाम क्या है? डोलमा नेगी। अच्छा, डोलमा नेगी है। अब स्पीति काजा का जो ट्रिप होता है ना, उसमें आप ना दिन में घूमते हो और शाम को नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हो। ये वही करछम डैम है जो हमने लास्ट वीडियो में क्रॉस किया था जब हम सांगला के लिए जा रहे थे, और अभी हम जा रहे हैं रिकांगपियो। बट अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, बट आपको यहाँ आई बटन में भी दिख जाएगी। तो अभी हम सांगला से निकल चुके हैं और आज का हमारा जो स्टे होगा वो कल्पा में होगा। बट जब आप करछम डैम से डाइवर्जन लेते हो रिकांगपियो कल्पा साइड, तो वहाँ पे चेकिंग होती है, तो अभी हमारी वही चेकिंग हो रही है। मेनली आप जो मतलब जो प्राइवेट टैक्सीज हैं उनको नहीं रोक रहे, सॉरी टैक्सीज को ही रोका जा रहा है यहाँ पे। और यही है कि ड्राइवर ने यूनिफॉर्म पहनी होनी चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो भी रहते हैं। तो आप अगर आप प्राइवेट आ रहे हो तब भी ठीक है, अगर आप टैक्सी से आ रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आपके ड्राइवर ने यूनिफॉर्म पहनी हो और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हों। फर्स्ट एड मांग रहे हैं, RC मांग रहे हैं ड्राइवर, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर भी मांग रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बस वही है। तो अभी हम रास्ते में, गाड़ी खड़ी है, सब चेकिंग हो रही है। करछम से रिकांगपियो का रास्ता ना एकदम मक्खन है, लगभग 1 घंटे में आप कल्पा पहुंच जाओगे। अगर आप रुक रुक के चलते हो तो 1.5 घंटा लग सकता है आपको, बट कल्पा पहुंचते पहुंचते काफी यूटर्न्स मिलेंगे आपको, तो गाड़ी ना थोड़ा आराम से चलाइएगा साहिब। तो ये है हमारा आज का स्टे, हम कल्पा में रुके हैं। ये पूरा डबल बेड का रूम है, यहाँ पे टेबल चेयर, मतलब अच्छा रूम है। और मैं आपको वॉशरूम भी बता देती हूँ, ये वॉशरूम है और यहाँ पे गीज़र की फैसिलिटी भी है, तो बढ़िया रूम है यार। और प्राइसिंग आप चेक कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो नाम भी मैं बता दूँगी, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और आपको थोड़ा सा नीचे पता चल भी होगा कि क्या रूम है। बट यहाँ से जो मेन चीज़ है ना वो है यहाँ का व्यू। तो ये है हमारे रूम के बाहर का व्यू, और बाकी नज़ारे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
moving slow. All run days that